क्वेश्चन नंबर 6 देखो ध्यान दो, इसमें आप चित्र दिया हुआ नहीं, आपको खुद को बनाना है। पहले इसमें दे रखा है ABCD, क्या है वर्ग, ABCD जो स्क्वायर, ये दे रखा है वर्ग दे रखा है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है बराबर, और उसका प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है 90 डिग्री का, उसे कहते हैं वर्ग कहते हैं। ये बन गया आपके वर्ग। इसने कहा है कि AD पर और BC पर दो बिंदु दे रखे हैं। AD पर जो बिंदु है उसका नाम क्या है E, और इस रेखा पर जो बिंदु है उसे क्या कहते हैं F, दो बिंदु दे रखे हैं। हमें करना है सिद्ध कि BAF मतलब BAF ये वाला कोण, ये अंदर जो कोण है ये वाला, और ये वाला कोण दोनों बराबर है या नहीं। दूसरा पूछा है BF बराबर AE, ये दोनों बराबर है या नहीं, ये करना है सिद्ध। अगर दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा सर्वांशम, तो उनके संगत भाग क्या हो जाएंगे बराबर। ये दोनों कहाँ आएंगे बाइसिपिसिटी में, कहाँ आएंगे दोनों ही, अगर दोनों सर्वांशम हो जाए तो। अब देखो दो त्रिभुज है तो दोनों के नाम कौन से होंगे, यही नाम तो जो यहाँ दे रखा है कौन बराबर वाले, इसने नाम जमा कर लिए होंगे, इसके हिसाब से नाम तो कौन कौन त्रिभुज है, त्रिभुज BAF व त्रिभुज ABEC, ये तो कौन सा हुआ BAF मतलब BAF, ये तो ये वाला त्रिभुज है। दूसरा क्या नाम है ABE, ये वाला त्रिभुज है। इन तीनों में हमें तीन चीजें करनी है बराबर। पहली कौन सी होगी, एक तो इसमें दे रखा है आपके AF बराबर BE, दो ये रहा AF और ये रहा BE, इसके अंदर भी होता है ये दोनों बराबर, क्या लिखोगे AF बराबर क्या है BE, क्यों है ये तो आपके सवाल के अंदर क्या है दिया हुआ, गिवन सवाल के अंदर दिया हुआ। दूसरा अब देखो दूसरा कौन सा होगा आपके, ये भुजा ऐसी है AB भुजा, इसमें भी है और AB भुजा इसमें भी है, देखो इसमें भी अगले बार दोनों नाम, इसमें अगले बार दोनों नाम, AB बराबर क्या हो गया AB, कारण क्या है उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, एक ही नाम दोनों मारा है, ये भुजा ऐसी है तो इस त्रिभुज में आ रही है और इस त्रिभुज में भी आ रही है। तीसरा नाम, तीसरा बताओ कौन सा होगा, इस त्रिभुज में देखो इस त्रिभुज में तो कोण B 90 है, कोण B क्या है 90, और इस त्रिभुज को देखो तो कोण A 90 है, क्या लिखोगे कोण B बराबर है कोण A, दोनों है आपके 90 डिग्री, क्योंकि नाम पहले हमने इसका लिखा, नाम पहले इसका लिखा हुआ है तो पहले नाम इसका आएगा, BAF दे रहे नहीं कभी, ये वाला दे रखा है तो ये वाला कोण कितना है 90 और ये वाला कोण कितना है 90, बताओ 90 क्यों हुआ, क्योंकि ये क्या है वर्ग, और वर्ग के चारों कोण कितने कितने डिग्री होते हैं 90 डिग्री, ये वाला पूरा कोण यहाँ से लगाकर यहाँ तक पूरा 90 डिग्री होता है, बताओ नियम कौन सा लगा, नियम लगा सकते हो RHS भी लगा सकते हो, कैसे ये 90 डिग्री सामने वाली भुजा भी आई और ये वाली भुजा भी, तो क्या लगाओगे RHS भी लगा सकते हो या फिर SAS भी लगा सकते हो, मतलब ये भुजा आई ये भुजा आई है और ये आया तो SSA लगाओ, क्या लगाओगे SSA लगाओगे, तो नियम कौन सा लगे, या तो लगा SSA या लगाओगे RHS जिसमें 90 डिग्री हो, कर्ण हो और अन्य भुजा हो, द्वारा कह सकते हैं त्रिभुज BAF सर्वांशम होंगे त्रिभुज ABE के, यदि दोनों त्रिभुज क्या हो जाए सर्वांशम तो उनके अन्य भाग भी क्या होंगे बराबर, अन्य भाग ये दोनों मतलब BAF इस त्रिभुज का कोण BAF और इस त्रिभुज का कोण ABE दोनों क्या होंगे बराबर, कोण BAF बराबर होगा कोण ABE, कारण बताओ बाई CPCC, क्योंकि जिन त्रिभुजों के तीन भाग बराबर होते हैं अन्य तीन भाग भी क्या होते हैं बराबर, तीन यहाँ आ सकते हैं तो तीन आपके BCD में आ सकते हैं। अगला कौन सा, ये भुजा और ये भुजा भी क्या होगी बराबर, क्या नाम लिखा हुआ है BF बराबर होगा AE, कारण क्या है BCD, आगे समझे अभी तो ध्यान दो, इसके अंदर क्या दे रखा है सवाल दे रखा है AD और BC दोनों बराबर, AB पर क्या है लंब है मतलब दोनों भुजाएं भी बराबर है और 90 डिग्री क्या बना रही है कोण भी बना रही है, तो हमें क्या सिद्ध करना है, ये जो रेखा जा रही है इस भुजा को कितने भागों में बांट रही है, दो भागों में बांट रही है, मतलब ये वाला भाग और ये वाला भाग क्या है आपके बराबर, हमें ये सिद्ध करना है कि AO बराबर क्या है BO,
या ये लिख दो, या अगर ये आ जाएगा तो हम लिख देंगे कि ये जो रेखा जा रही है इसको कितने भाग में बांट रही है, दो भाग में बांट रही है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, ये और ये बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांशम करना पड़ेगा। अगर ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाए, सर्वांशम, तो ये दोनों भाग क्या हो जाएंगे, बराबर। दोनों त्रिभुजों के नाम क्या होंगे, एक का नाम ले लो ए ओ डी, कौन सा होगा त्रिभुज ए ओ डी, वह त्रिभुज कौन सा है बी ओ सी से। हमें इनमें तीन चीजें बराबर करनी, पहली ये भुजा और ये भुजा क्या है, बराबर। ए डी बराबर क्या है, बी सी, इसकी तो ए डी भुजा फर्स्ट और लास्ट नाम, इसमें भी फर्स्ट और लास्ट नाम दोनों क्या है, बराबर। कारण क्या है, सवाल के अंदर दिया हुआ है ए डी और बी सी दोनों बराबर है, सवाल में लिखा हुआ है ये दोनों बराबर है, क्यों है, सवाल के अंदर क्या है आपके दिया हुआ। दूसरा ये कोण 90 है और ये कोण भी क्या है 90, कोण ए बराबर क्या है, कोण बी बराबर, कारण बताओ 90 डिग्री, और शीर्ष लंब लिख सको एल थी क्यू में, शीर्ष लंब या दे रखा क्वेश्चन के अंदर एल्टीट्यूड कहते हैं। तीसरा और एक नाम और बताओ जो बराबर हो, ओ वाला, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, बराबर। कोण ए ओ डी बराबर है कोण बी ओ सी, कारण क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण, कारण कौन सा होगा, शीर्षाभिमुख कोण, जिसे कहते हैं वर्टिकल ऑपोजिट एंगल बी ओ ए। इस नियम द्वारा कह सकते हैं, तो कौन सा नियम लगे बताओ, देखो कोण कोण भुजा A-A-S नियम द्वारा कह सकते हैं त्रिभुज AOD कॉन्गुरेंट सर्वांशम है त्रिभुज BOC के। अगर सर्वांशम है तो उनके अन्य भाग भी क्या होंगे, AO बराबर क्या होगा BO, अगले दोनों नाम इसमें अगले दोनों नाम, या ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या होगी आपके, बराबर। AO बराबर क्या होगा BO, कारण क्या है, BCD। ये देखो इसके दो भाग हो गए, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो रेखा जा रही है सो कितने भागों में बांट रही है, दो भागों में। अतः हम लिख सकते हैं कि क्या नाम है, CD क्या करती है AB का समद्विभाजन करती है, AB को दो भागों में बाइसेक्ट करती है। होता